एवरीवन, मैं हूँ सीमा और श्रीधर किचन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी का चिवड़ा, जो मार्केट में बहुत ही महंगा पड़ता है। अगर हम इस चिवड़े को घर में बनाते हैं तो बहुत ही सस्ता पड़ता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस चिवड़े की रेसिपी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। सूजी का चिवड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ एक कटोरी, एक कप सूजी। आप घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें। ये हमारी बारीक वाली सूजी है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो आप उसे मिक्सर में चला के पतला कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एक कप सूजी। सूजी को मैं पहले साइड रख देती हूँ और मैं उसी कप से, उसी कटोरी से ले रही हूँ एक कटोरी पानी। जितना हम सूजी लेंगे उसी उतना, उसे 1/4 कप ज़्यादा हम पानी लेंगे, एक कप और थोड़ा सा। ये हम मैंने पानी ले लिया है एक पतीले में। अब हम इसे गैस फ्लेम पे चढ़ाएंगे। पानी में एक उबाल आ चुकी है, इससे ज़्यादा हमें पानी को उबालना नहीं है, नहीं तो पानी की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब हम गैस फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसमें ऐड करते हैं एक चम्मच जितना नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही रखें और रिफाइंड ऑयल एक चम्मच। अब हम इसे गैस फ्लेम से नीचे उतार लेंगे। गैस से उतारने के बाद गर्म पानी में सूजी को ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब हम इसे ढक के रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और हम इसे टच कर सके। तो इसे मैंने ढक के रख दिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम यहाँ कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं कटे हुए बादाम, जो कि 10 से 12 बादाम लिया है मैंने, उसे मैंने चॉप कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो साबुत बादाम ही ले सकते हैं और 10 से 12 काजू। इसे थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी होने तक भून लेंगे ताकि जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो अच्छी हो जाए। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को भूनना बहुत जरूरी है। काजू और बादाम हल्के से रोस्ट हो गए हैं, कि हल्के से गुलाबी हो गए हैं। गैस फ्लेम को मैंने यहाँ थोड़ा लो कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी मखाना। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून किशमिश, और जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद नहीं है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी कटे हुए नारियल, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये ड्राई नारियल है, और इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था, उसी में मैं ऐड कर रही हूँ मूंगफली पीनट 1 कटोरी। मात्रा से ये 100 ग्राम है और इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके ड्राई फ्रूट्स में से ऑयल बचती है तो आप उसी में मूंगफली को रोस्ट कर लें, नहीं बचती है तो थोड़ा सा ऊपर से आप इसमें तेल डाल के रोस्ट कर लें।
मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, जिसे मैंने धो करके चॉप कर लिया है। इसे अच्छे से धो के और कपड़े से पोंछ लें, इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। कड़ी पत्ता भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो ड्राई फ्रूट्स को मैंने रोस्ट किया था, उसे इसमें मिक्स कर देंगे। अब मैं गैस फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और इसमें ऐड करते हैं स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक लिया है, जो कि हाफ टेबल स्पून से भी कम है। शुगर पाउडर 1 चम्मच। ये शुगर पाउडर मैंने घर में चीनी को पीस के बनाया है। मिक्सर जार में चीनी को पीस लिया। शुगर पाउडर हमारी तैयार हो गई। 1 चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक बॉल में इसे ट्रांसफर कर लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं। चिवड़े को क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 उबले हुए आलू। आलू को उबाल के मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। अब मैं ये ले रही हूँ ग्रेटर और ग्रेटर की हेल्प से हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। आलू ग्रेट करने के बाद मैं यहाँ जो सूजी का डो है उसे तैयार कर ली हूँ। इसे तैयार करने के बाद ये जो ग्रेट किया हुआ आलू है इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद ये काफी चिपचिपा हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल जो है अपने हाथों पे अप्लाई कर लेंगे और इस तरीके से इसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से आलू को मैश करेंगे सूजी में। इसको इतनी अच्छी तरीके से मैश करना है कि जो आलू हमारा जो है इसमें अच्छे से जा करके मिक्स हो जाए, अच्छे से रच बस जाए। आलू को सूजी में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने इसका डो तैयार कर लिया है और इसके ऊपर हल्का सा मैंने तेल लगाया है, तेल स्प्रेड किया है। अब मैं इसे कर देती हूँ साइड। अब मैं यहाँ ले रही हूँ सेब बनाने वाली मशीन। इसकी 2 तरह की जाली है, एक पतली जाली है, एक मोटी जाली है। मैं यहाँ पतली जाली का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं सबसे पहले इसमें ऑयल लगा लूँगी। इसके भी चारों ओर अच्छी तरीके से सेब बनाने वाली मशीन में ऑयल को अप्लाई कर लेंगे और इस पार्ट में भी ऑयल को इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। ऑयल अप्लाई करने के बाद इस जाली को इसमें सेट कर देंगे और इस डो को इसमें डालेंगे। आप चाहे तो पतली जाली की जगह मोटी जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिल हो चुकी है। अब हम इसे सेट कर देंगे। इस तरीके से घुमाते हुए इसे लगा देंगे। अब हम यहाँ एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में मैंने यहाँ तेल लिया है। तेल हमारी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म होनी चाहिए, तभी हमारी जो सेब है वो अच्छे से निकलेगी। ये तेल हमारी गर्म है और फ्लेम जो है हाई पे है। अब मैं इस मशीन से सेब को निकालूंगी। जितना कढ़ाई में आएगा उतना सेब को निकाल लेंगे। अब हम इसे तुरंत पलटेंगे नहीं,
नहीं तो सारी जो सेव है वो टूट जाएगी। ये जो झाग आ रहा है ना, ये थोड़ा सा झाग कम हो जाए, बुलबुला कम हो जाए, गैस फ्लेम अभी भी हाई पे है, ये जब बुलबुला बिल्कुल खत्म हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। आप देख सकते हैं ये झाग तो बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन हम एक बार इसे किनारे से इस तरह से उठा के देखेंगे। अगर मुझे बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होगा तो हम इसे नहीं पलटेंगे, थोड़ा सा ये हार्ड होगा, क्रिस्पी टाइप का, क्रंची टाइप का लगेगा, तभी हम इसे पलटेंगे। या आपको इस किनारे से देखिए इस तरह की हल्की सी पिंक कलर में दिख रही है, तो आने की हमारा एक साइड से पक चुका है, अब हम इसे पलट सकते हैं। इस तरीके से पलट के हम सेब को दोनों साइड से पका लेंगे। ये हमारी क्रिस्पी सेब बनके तैयार है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे सेब को हम बना लेंगे। अब मैं आपको मोटी जाली से भी सेब निकाल के दिखा देती हूँ कि मोटी जाली से सेब कैसे निकलती है, और इसे पतली जाली वाले सेब में मिक्स कर देंगे। जितनी सेब आएगी उतना डाल देंगे। सेम प्रोसेस से इसे भी फ्राई कर लेंगे, गैस फ्लेम हाई है। ये झाग कम हो गई है, अभी भी नहीं पलटेंगे, झाग बिल्कुल अच्छी तरीके से कम हो जानी चाहिए। ये भी हमारा तल के तैयार हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे सेब को हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारा सेब तल के तैयार है, आप देख सकते हैं ये कितना क्रंची बना है, बहुत ही क्रंची है ये। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मोटे वाले सेब निकाले, ये भी काफी क्रंची बनी है, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, वो मशीन में थोड़ा सा इसका डो बच जाता है, उस मशीन से निकाल के मैंने इसे तल लिया है। ये भी काफ़ी क्रंची लगता है खाने में, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दूंगी। अब ये जो हमारा सेब है इसे मैं हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से दबा देंगे, बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत क्रंची है, तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे हल्का से दबाते हुए हल्का हल्का क्रश करेंगे। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने तल के रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे, और इस और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारा चिवड़ा, सूजी का चिवड़ा बनके तैयार है। तो लीजिए स्पेशल चिवड़ा बनके तैयार है। आप इस चिवड़े को किसी भी फेस्टिवल या त्यौहार में बना सकते हैं, आप होली दिवाली में बना सकते हैं, आप अगर सफ़र में जाते हैं तो भी आप इसे ले के जा सकते हैं। और इस ये चिवड़ा 2 महीने तक ख़राब नहीं हो सकता है, आप इसे 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, आप इसे शाम के नाश्ते में भी ले सकते हैं। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।